सबसे बड़ी ज्यादती ये कोई 78 के करीब खवातीन हैं, कुछ की 10 महीने के बाद जमानत हुई है। आलिया, हमजा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और बहुत सारी खवातीन जिनको मैं और आप उस तरह जानते नहीं हैं, लेकिन वो कारकुनान हैं। अफसोस की बात ये कि एक उसमें जमानत होती है केस में, बोगस केस में उसमें जमानत होती है, अगले शहर की पुलिस वहाँ पे खड़ी होती है उनको उठाने के लिए। अगर आप फिर वही बात है, आप सोचिए कि वो किसी की माएँ हैं, किसी की बेटियाँ हैं, किसी की बहनें हैं। आप रात के अंधेरों में प्रिजन वैन आ जाती है आप हरास करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि ये सियासी कारकुन है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान का अलम जो है वो बुलंद किया हुआ था। देखिए इस तरह नजरिए नहीं दबते, इस तरह सियासत ख़त्म नहीं होती। सियासत का मुकाबला सियासत में करना पड़ता है, खवातीन को सपोर्ट करने से नहीं। मुझे यकीन करें कल आलिया, हमजा, सनम जावेद के ऊपर इंतहाई अफसोस हुआ है कि दो दो घंटे उनको प्रिजन वैन में बिठाए रखा, फिर अगले जो है वो शहर की पुलिस आ गई। देखें मेरा 43 FIR में मुझे नॉमिनेट किया हुआ, जबकि मैं डेरा गाजी खान में 9 मई को मौजूद थी। या तो ये कि फिर दहशत गर्दी करने के लिए खुद PDM की हुकूमत ने हमें कोई उड़न तश्तरियाँ दे दी थी, कोई ऐसी गाड़ियाँ दे दी थी, कोई ऐसे हेलीकॉप्टर दे दिए थे कि उड़ के एक शहर के अंदर दहशत गर्दी कर लो फिर दूसरे के अंदर कर लो। मतलब अजीब मजाक बनाया हुआ है, कहीं पर गाय चोरी का पर्चा डाला हुआ है, कहीं पर कहा हुआ है कि आपने स्ट्रीट लाइट्स चोरी की है, कहीं पर कहा कि आपने ATM की मशीन तोड़ी। कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो तरीका करें। फिर बात है, अगर आपके पास नजरियाँ नहीं है, अगर आपके पास इमरान खान जैसी लीडरशिप नहीं है, तो क्या इमरान खान को 30 साल के रातों रात सजा देकर काल कोठरी में बंद कर देते इमरान खान का नजरिया खत्म हो जाएगा? नहीं, 8 फरवरी को नजरिया बढ़ गया, सारा पाकिस्तान इमरान खान के लिए खड़ा होगा। ये जो इधर लोग खड़े होते कोर्ट के, अगर यहाँ पे आए होते, हम तो किसी कारकुन को नहीं बुलाते, ये खुद यहाँ पे चल के आते हैं। तो सियासत में इस तरह का मकाम जो पाकिस्तान में आगे कभी ऐसा नहीं हुआ, ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क ने आगे बढ़ना है। अगर सियासतदान आपस में बैठे नहीं, यूथ का मैंडेट नहीं है और तस्लीम करेंगे तो विशेष सर्कल जो है वो चलता रहेगा। आज हमारी बारी, आज हम कटहरे में खड़े, कल फिर ये लोग खड़े होंगे। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।